ओमकार राणे जो कि अपडेटर हैं रोहा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ ओमकार राणे, इनको मैं अनुरोध करूंगा कि आपको अतिथि मंच पर आना है, उनका शुभ स्वागत इस मंच पर किया जाएगा। तो स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम, आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एसडी 11 पाली बनाम हाशिवरे 11 के बीच का ये मुकाबला रहेगा, पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर तैयार गेंदबाजी मार्ग पर मनीष मोकल, सिद्धेश दंत कप्तान स्ट्राइक रेंज पर, दाहिने हाथ के दोनों ही एक जेन्युइन खिलाड़ी हमें नजर आते हुए, टेक्निकली वेल साउंडेड। इस बार पहली गेंद चेक किया, पहली गेंद को बहुत ही आसानी के साथ चेक करते हुए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास, उछाल बहुत ही ज्यादा इस पिच पर हमें नजर आती है और इसीलिए इस पिच पर गेंदबाजों का ज्यादा बोलबाला रहा है। लेकिन दोपहर का समय है, एसडी 11 के अगर बल्लेबाजी की बागडोर को देखें तो 8 नंबर पर उनके बल्लेबाज हैं, लेकिन ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस बार घूमकर खेल दिया है। गैप में गेंद, क्या ये दूसरा होगा? काफी तेजी के साथ रन बन रहे हैं, दूसरे की मांग और बहुत ही तेज कदमों के साथ इस दूसरा रन को पूरा करते हुए सिद्धेश दंत और अनंता झोलगे। पूरी एसडी 11 पाली के लिए शुभकामनाएं आती हुई मोंटी और उमेश पाटिल पाली, इनकी ओर से शुभकामनाएं आती हुई एसडी 11 पाली के लिए। अब पावर प्ले की पहली ओवर है, दायरे के बाहर मात्र दो ही खिलाड़ी और लंबी बाउंड्रीज हैं, बल्लेबाजों को मेहनत करनी होगी। इस बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, नीलेश मस्कर बॉलर एंड के अंपायर हैं और स्ट्राइकर एंड पर प्रशांत अंपायर हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर तैनात हैं, शॉर्ट गली शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट कवर पॉइंट मिड ऑफ और एक दो खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग पर तैयार। प्रसाद पाटिल के नेतृत्व में खेलने वाली टीम हाशिवरे इस बार डिफेंसिव शॉट हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा कर लिया और एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर 3 रन। अनंता झोल की ये बल्लेबाज जेन्युइन बल्लेबाज माने जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन रहा उनका उनकी टीम के लिए और गांव टू गांव के मुकाबले में कई बार अपनी टीम को एक बुलंदियों के आसमान तक छूने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आज उनके पास मौका है कि हीरो बनने का। फिर से रिवर्स, पहली गेंद पर स्विच इट किया है, गेंद सीमा पार, अंपायर का इशारा आना शेष, 4 रन यहां पर। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, क्योंकि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पाली में टैलेंट है लेकिन मौका नहीं मिला पाली की टीम को, लेकिन एसडी 11 पाली के सामने आज मौका है। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का, मनीष मोकल सामने की तरफ उड़ाने का प्रयास और यह खराब शॉट सिलेक्शन और इसी के साथ पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। अनंता झोलगे 4 रन बनाकर मैदान से बाहर और एसडी 11 पाली को लगता हुआ पहला झटका, रन बने हैं 7 एक विकेट के नुकसान पर। डीजे धन्यवाद। तो यहाँ पर दिल चुराना होगा दर्शकों का, क्योंकि हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि पाली के बस का नहीं, उन्हें भी कर दिखाना है। सूरज हुले आए हैं इनैट नंबर 3, एक और आक्रामक बल्लेबाज अब मैदान पर आता हुआ सिद्धेश दंत के हाथों में, मंथन डाकी एक और बड़ा नाम, एक ऊंचे कद के ये गेंदबाज हैं, तेज गेंदों को करते हैं, शॉर्ट पिच गेंदों को करने में महारत हासिल है उनको। अब नॉन पावर प्ले का ओवर शुरू होता हुआ, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। शॉर्ट पिच गेंद किस तरह से होगा इसका इस्तेमाल, एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। प्रसाद पाटिल आई थिंक लॉन्ग ऑन पर है, एक बहुत बड़ा नाम हाशिवरी विभाग का और हमेशा रोहा में उनको सम्मान दिया जाता है। 7 रन स्कोर बोर्ड पर,
एक विकेट के नुकसान पर अब तेज कदमों के साथ मंथन डाकी। इस बार हवा में खेल दिया है इस गेंद को एसडी ब्रांडेड सिक्सर, शानदार जानदार असरदार वजनदार सिद्धेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद पर ये सोनार सिद्ध सिक्सर। धन्यवाद, शानदार शुरुआत की है लेकिन टैलेंट के साथ टेम्परामेंट की लड़ाई होगी। चार चार ओवर का मुकाबला है, कौन सा कप्तान कूल माइंडेड के साथ करेगा कप्तानी। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया है, गैप नहीं ढूंढ पाए, हालांकि ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर पर लेकिन बिल्कुल बल्लेबाज ने गेंद को मार दिया था फील्डर के हाथों में। फील्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से जमावट की गई है प्रसाद द्वारा, प्रसाद पूरा नाम प्रसाद पाटिल, एक बड़ा नाम इस पूरे तहसील का, अलीबाग में बालवीर हशिवरे और अलीबाग फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे, बालवीर हशिवरे एक नाम मुझे आज भी याद है, एक बड़ी टूर्नामेंट उनके माध्यम से होती है, और हमारे अनिल मोकल और अक्षय मोकल भी हशिवरे गांव से हैं। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, खराब शॉट सिलेक्शन, शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने का प्रयास और पहली गेंद पर गोल्डन डक का बने शिकार सूरज झूले बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद, दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ इस डी इलेवन पाली टीम का, हालांकि उनको साझेदारियां बनानी होगी। चार चार ओवर प्रतिपारी का ये मुकाबला है, 24 गेंदों पर सभी 24 की 24 गेंदें आपको खेलनी होगी, एक भी नो बॉल नहीं आया है, एक भी वाइड नहीं आया है। ये अनुशासन के साथ गेंदबाजी करती हुई फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे, नए बल्लेबाज इनैट नंबर 4 आते हुए सचिन पवार को सचिन तेंदुलकर के नाम की तरह बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि आज वे बड़े मंच पर खेल रहे हैं और इतने बड़े मंच पर खेलने का जो दबाव है वो उनको झेलना होगा। दबाव में आपको बिखरना नहीं है, दबाव में आपको निखरना है और निखरने के लिए कोयले में भी दबाव सहन करना पड़ता है हीरे को। इस बार घूमकर खेल दिया था, गैप में गेंद खेलने का प्रयास बिल्कुल तरीके से सफल लेकिन शॉर्ट फाइन लेग को क्लियर करती हुई गेंद सिंगल रन के लिए, एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई। ऑफिशियल स्कोरर उमेश जी साड़ू के हमसे कहते हुए स्कोर बोर्ड पर 15 रन लगे हैं। अभी इस ओवर की दो गेंदों का खेल शेष है, दो गेंदों पर अगर चार भी आते हैं पांच भी आते तो एक मैं कहूंगा अच्छा आस्किंग टोटल रहेगा। 16 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर, 15 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर और दो गेंदों का खेल शेष। तैयार मंथन डाकी तेज कदमों के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने सचिन पवार। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से पॉइंट के बगल में से खेल दिया था सिंगल के साथ अपने खाते को खोलते हुए सचिन पवार रनों का अंबार लगाना होगा, वार करना होगा गेंदबाजों के ऊपर, प्रतिवार करना होगा। सिंगल के साथ स्कोर 16 रनों पर आते हुआ ये टोटल 16 का डोला 46 की छाती, ये दिखाना होगा दम क्योंकि जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। दोपहर के सत्र में आखिरी गेंद का ये दूसरे ओवर का आखिरी गेंद खेलने के लिए सिद्धेश दंत। तेज गेंद और इसके साथ इस ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे धाटा स्पोर्ट्स, स्पॉन्सर बाय मंदार धाटा। और यहाँ पर अगर देखें तो दो ओवर का खेल समाप्त, 16 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं और अगर हम इनामी राशियों की पानी जाना चाहिए मैदान पर दो ओवर के बाद बात करें तो जो क्वालिफाई होने वाली टीमें हैं उमेश जी उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से टी शर्ट्स हैं, बेस्ट बैटर बेस्ट गेंदबाज के लिए बाइसिकल है, ट्रॉफी है, टी शर्ट है, वॉच है, तो सब कुछ बहुत बड़ा इनाम सोनार सिद्ध करंडक में हमें दिखाई दे रहा है। मंदार धाटा भी देखिए बिल्कुल कोरोना हल्का नहीं मोटा है, मास्क पहन लो कफन से छोटा है, यही संदेश देते हुए दरिया किनारा अष्टमी पहले दिन क्वालिफाई होने वाली टीम और प्लेयर ऑफ द डे थे विजय शेड़गे और दूसरे दिन जय बजरंग लांडर और उनके प्लेयर ऑफ द डे थे सूरज भगत। तीसरे दिन यूनिकेम ये टीम हमारे MIDC लॉट से गई है और प्लेयर ऑफ द डे बने थे संकेत शिंदे। अब गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए नॉन पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर और पारी का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज का नाम
पिंटिया पाटिल हमारे साथ उनके ट्वेल्थ मैच जुड़ते हुए बिल्कुल वाइटल इन्फॉर्मेशन देते हुए फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे के लिए। 12 गेंदों का खेल शेष है, 16 रन स्कोर बोर्ड पर, सामने सचिन पवार तैयार गेंदबाजी मार्ग पर। शॉर्ट पिच गेंद के साथ की है शुरुआत, खड़े खड़े खेल रहे हैं। जिस तरह से मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो आईफोन का भी कोई फायदा नहीं है, वैसे भी बल्लेबाजी में अगर फुटवर्क ना हो तो बल्लेबाजी का कोई भी महत्व नहीं रहता। फुटवर्क के बारे में मामले में अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, इनका फुटवर्क देखने लायक। इस बार बैकफुट पर जाकर अपर कट किया था पॉइंट के सर के ऊपर से, लेकिन 4 रन नहीं जाएंगे क्योंकि आउटफील्ड वहां पर स्लो है, लेकिन गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यह आया सोनार सिद्ध करंडक चौका और डीजे को मिलता हुआ एक और बार मौका। धन्यवाद। लेकिन यहां पर हवा विपरीत दिशा में बल्लेबाजों के जाती हुई, बल्लेबाजी करना ऑन साइड पर इतना आसान नहीं रहेगा, ज्यादा जोर लगाना होगा। यॉर्कर और 4, अच्छी गेंद पर ये 4 रन आते हुए, बिल्कुल सटीक यॉर्कर। इस यॉर्कर के लिए तालियां बजाते हुए सभी खिलाड़ी, 22 के रूप में ये रन आते हुए 4। क्रिकेट में तो दो ही चीजों का सम्मान होता है, एक है परफेक्ट यॉर्कर, दूसरा है सचिन तेंदुलकर। शानदार यॉर्कर, लेकिन भाग्य का चौका मिलता हुआ SD11 पाली टीम को। डीजे धन्यवाद। कैप्टन की ये गेंद यहां पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए काफी उछाल हमें देखने को मिलता है। स्कोर इस 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर, 24 धावा दावफल कवर। कमाल की तेज गेंदे कर रहे हैं, अनुभव कम है बाहर खेलने का, इसकी वजह से शॉर्ट पिच गेंदों को खड़े खड़े खेल रहे हैं। रचनात्मक स्ट्रोक एक ही दिखाया अरंता झोलगे ने। अब भी विशाल पाटिल यानी अन्ना के आने का अब भी इंतजार कर रहे हैं, आक्रमण करना होगा। लगातार ये कितनी बिंदी गेंदे खेलते हैं, और लिमिटेड क्रिकेट में ज्यादा आपके पास समय नहीं होता, आप बिंदी गेंद नहीं खेल सकते। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का, स्कोरबोर्ड पर मात्र 24 रन लगे हैं, 7 गेंदों का खेल शेष इस पारी का। सिद्धेश दंत अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन उनको साथ देना होगा। एक चौका तो जरूर आया था सचिन पवार के बल्ले से, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव में आते हुए, लेकिन दबाव में आपको सचिन तेंदुलकर को याद करना होगा, दबाव में। इस बार ओवर पेस गेंद लॉफ किया था, फ्लिक का प्रयास प्रसाद पाटिल गेंद के नीचे, लॉन्ग ऑन पर एक रन तो आसान के साथ पूरा किया, और तेज कदमों के साथ दूसरा रन भी पूरा करते हुए सिद्धेश दंत, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं 26। इस ओवर के प्रायोजक थे SD स्पोर्ट्स पाली, और विकेटें गिरी हैं 2, और अब 26 का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड पर। मनीष मोकल की गेंदबाजी देखे तो पहले ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी रही, अनंता झोलके को उन्होंने आउट किया था और मात्र 7 रन खर्च किए। मंथन डाकी ने 9 रन खर्च किए और एक विकेट उनको हाथ लगी, और पिंटिया पाटिल जिन्होंने कमाल का यॉर्कर डाला लेकिन उनको 10 रन आए, और कुल मिलाकर स्कोर 26 रनों पर जाता हुआ। जयेश आए हैं अब स्लॉग ओवर लेकर। फील्डिंग की अगर हम बात करें तो कमाल की फील्डिंग पोजीशन हमें लगाई देख, एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ है, हालांकि ज्यादा गेंदे हवा में नहीं डाली है, ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदे आई हैं, तो अब आक्रमण करना होगा, अब नहीं तो कब नहीं। घर वाले घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। ये उठाकर मारने का प्रयास है, क्या ये एलिवेशन मिला है, और यहां पर डीप मिड विकेट पर एक आसान सा कैच, और सिद्धेश दंत आउट होते हुए पहली गेंद पर। डीजे प्यार में दिल पे मार दे गोली, लेंगे तेरा नाम। लेकिन यहां पर देखिए रुपेश रटाटे, देखिए बिल्कुल गोलियां मारते हुए लड़कियों को, क्या उनका बियर्ड है शानदार, उनका गॉगल चमचमाता हुआ, उनका चेहरा ब्रांडेड, उनके शूज और उनकी वॉच देखिए, बिल्कुल समय बदलते हुए ये खिलाड़ी। लेकिन ट्रॉफी की मैं बात करूंगा, मुझे याद आती हुई पेटीएम टेस्ट सीरीज रणजी ट्रॉफी, क्या कमाल की ट्रॉफीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, शानदार और सबसे खूबसूरत ट्रॉफी में से एक सोनार सिद्ध करंडक ट्रॉफी।
इस बार लॉफ्ट किया था, दो रन तो जरूर मिलेंगे, दो रन क्या होंगे, काफी तेज कदमों के साथ प्रसाद पाटिल, व्हाट अ फील्डिंग और कमाल का थ्रो। एक रन ही देते हुए प्रसाद पाटिल ये दिखा रहे हैं कि अब भी हम में उतनी चुस्ती फुर्ती है 16 साल के किसी भी नवयुवक की तरह। स्कोर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ 27 ना। फुटबॉल में चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग में, स्पैनिश लीग में ऐसी ट्रॉफीज होती हैं, लेकिन पेटीएम रणजी ट्रॉफी भी ऐसी होती है। इस बार सामने की तरफ उड़ा दिया है गेंद, फिर से लॉन्ग ऑन पर प्रसाद पाटिल के हाथों में आज गेंद चिपक रही है, क्या कमाल का थ्रो, लेकिन एक ही रन। ओवर पिच गेंदे कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे हैं, लेकिन ये कमाल की बात है कि जिस तरह से कल 40 प्लस में आमदार चषक में कमेंट्री कर रहा था तब वहां पर एक भी नो बॉल नहीं आई थी पूरे दिन, और वैसे ही यहां पर गेंदबाजी एक भी नो बॉल नहीं है और एक भी वाइड नहीं आया है फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे की ओर के गेंदबाजों से। ओवर पिच सामने की तरफ लॉब किया है, गैप में जरूर गेंद जाएगी, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार सचिन पवार के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। डीजे थैंक यू डीजे। दो गेंदों का खेल शेष, 34 रन बने हैं, 34 धावा धावफल कावर, 34 रन बने हैं, अब भी दो गेंदों का खेल शेष है। कितने रन आएंगे इस ओवर में, कितनी गेंदें आएंगी आने वाली दो गेंदों में बिंदी। इस बार जिस वाइड का इंतजार कर रहे थे वही वाइड होता हुआ नजर लगी आई थिंक कॉमेंटेटर कल्स, और इसके लिए पहला वाइड आता हुआ फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे के गेंदबाज द्वारा, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 ऑन बोर्ड। 35 गेंदों पर ही डेविड मिलर ने सबसे तेज शतक जड़ा था T20 के लिए, थोड़ा सा फंबलिंग जरूर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर तेजी के साथ दौड़े, और ये तीसरा भी पूरा, क्या होगा चौथा पूरा, चार रन पूरे हुए हैं, जहां पर एक था वहां पर दो मिले, जहां पर दो को तीन में कन्वर्ट किया, अब थोड़े से चार रन पूरे किए और ये ओके एक रन शॉट, ओके एक रन शॉट आई है, पानी चाहिए क्या, आखिरी गेंद होगी स्ट्राइक का ये मसला है अंपायर कहेंगे। तीन रन आए हैं, 38 रन आए स्कोर बोर्ड पर, आखिरी गेंद का खेल शेष 38 ऑन टोटल। तीन रन दौड़ने के बाद पानी की मांग जरूर होगी, लेकिन उमेश जी देखिए कल 40 प्लस से मुकाबले थे, कितने दौड़ते थे भैया, और भैया को देखकर कौस्तुभ पाटिल की याद हमें आती थी, बिल्कुल बार बार मैं कहता था लेकिन कौस्तुभ पाटिल बहुत चिढ़ते थे, लेकिन भैया को देखकर राहुल भैया को बिल्कुल कोई भी दर्शक यही कहता कि कौस्तुभ पाटिल का ये भाई है। कौस्तुभ पाटिल को भी यहां से हम अभिनंदन उनका करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रीम क्रिकेट द्वारा कई लोगों को बड़े मंच पर पहुंचा दिया है, और रोहा मुरुड माणगांव वाली बाग पाली सुधागढ़ पेड़ में हमेशा आपको दिखते हैं ड्रीम्स क्रिकेट के ये सभी टेक्नीशियन। ओ ये हाथ में गेंद, ओ नहीं छक्का भाई, ये तो मैं कहूंगा मुहूर्त का छक्का आया प्रसाद पाटिल के हाथों से गेंद छिटकती हुई। अब ये 6 रन कितने मायने करेंगे, कितना विध्वंस करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उमेश भाई हमसे कहते हुए स्कोर बोर्ड पर एक सम्मानजनक टोटल 44 रन और जीतने के लिए 4 ओवर में 45 रनों की जरूरत है फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे टीम को। तो आइए अगले मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा करचुड़े और बेंसेवाड़ी, करचुड़े और बेंसेवाड़ी आपको टॉस के लिए आना है, तो आइए मैं रुकता हूं और अब मौका मिलेगा डीजे मास्टर को। धन्यवाद,
नाम लबों पर, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, नाम लबों पर जरूर आया था, लेकिन हम नाम लेना चाहेंगे आदरणीय विनोद बाबू पाशिलकर साहब, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष रोहा, जिनके माध्यम से पहली इनामी राशि 51,000 रुपए हमें स्पॉन्सर किए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों के साथ हम आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी इनामी राशि विजय राव मोरे साहब, प्रदेश सरचिटनीस राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके माध्यम से 30,001 रुपए की इनामी राशि हमें स्पॉन्सर की गई है, उनका भी विशेष आभार। थर्ड नंबर की इनामी राशि 15,001 हमें स्पॉन्सर की है आदरणीय रोहिनाथ जी पाशिलकर साहब, इनका भी विशेष आभार। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर की जो चमचमाती सुंदर मनमोहक ट्रॉफी हम देख रहे हैं वो हमें स्पॉन्सर की है आदरणीय यशवंत जी खेड़ू रटाटे साहब इन्होंने, उनका भी विशेष आभार। चौथी इनामी राशि 15,001 हमें स्पॉन्सर की है आदरणीय श्री गणेश जी लक्ष्मण शिवलकर साहब और जयवंत दादा मुंडे साहब इन्होंने, उनका भी विशेष आभार। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी श्री हरिनाम बालू धोंडके साहब इनकी ओर से आया है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए LED आदरणीय सौभाग्यवती सौ सुवर्णताई सचिन रटाटे सरपंच धाटाव, उनका भी विशेष आभार। आदरणीय नामदेव जी शिवराम मस्कर इनके माध्यम से बेस्ट बैटर के लिए साइकिल और हमनेश मलम्मा हदीमनी साहब आर्मी मैन इनकी ओर से बेस्ट बॉलर के लिए साइकिल। सर्वश्रेष्ठ फील्डर के लिए 3,000 रुपये का घड़ी कुमार अक्षय कृष्णा रटाटे इनके माध्यम से। मैच के लिए यहाँ पर जो बॉल हैं वो राकेश भाई मस्कर इन्होंने दिए हैं। बख्शिश पात्र जो कि टॉप 4 टीमें होने वाली है उनके लिए टी शर्ट्स आदरणीय स्वप्निल जी शिंदे हिंदवी श्रीकांत मोरे राकेश भाई पडवल और कुमार विशाल कदम इनके माध्यम से। चौकार यानी कि चौकों के बादशाह उनके लिए वॉच हैं कुमार सौरभ फाटक इनकी ओर से। षटकारों के आदिल शाह उनके लिए वॉच है कुमार मंदार बामगुड़े इनकी ओर से और विकेट टेकर के लिए कुमार रोहन मस्कर इनकी ओर से भी इनाम है। मंदार बामगुड़े मुझे तो लग रहा था कि हम शाम के समय में आ रहे तो कोई तो एक आधा टी शर्ट उनके माध्यम से भी इस पूरे पैनल को मिलता, क्योंकि मंदार बामगुड़े धाटा स्पोर्ट्स के वे ओनर हैं। तो अब मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि अब 45 रनों का करना है पीछा। फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे यानी कि मेरे मित्र अक्षय मोकल इनका जन्म गांव, हालांकि पाली में वे रहते इंजीनियर हैं, अनिल गोपाल मोकल इनके वो सुपुत्र हैं और वो भी हाशिवरे से हैं और हम भी साल में 2-3 बार हाशिवरे में जरूर जाते हैं। एक बड़ा गांव है उनका, गांव में तालाब है, एक कुआं है, उसमें तैरने के लिए बिल्कुल मज़ा आता है और बहुत अच्छे दिल के इंसान सभी लोग हाशिवरे में, लेकिन अब उनकी बल्लेबाजी किस तरह से होगी वो देखना लाजमी रहेगा। 45 रनों का टारगेट सेट किया है और अब गेंदबाजी मार्ग पर अनंता झोलगे, सामने बल्लेबाजी के तौर पर कप्तान प्रसाद पाटिल। करसुंडे पहली गेंद गैप में पॉइंट के बगल में से निकाला, किन सीधी गोली की रफ्तार से जाते हुए पहला चौका और डीजे को मिलता हुआ मौका। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, यहाँ पर डिंग डांग करते हुए, लेकिन ये 200वां चौका इस पूरे प्रतियोगिता का लगाया है प्रसाद पाटिल ने। मेरिट पर खेलते हैं, हालांकि गेंद इतनी बुरी नहीं थी, वाइड यॉर्कर था, लेकिन उसका फायदा 4 रन के साथ उठाया। करसुंडे आपको टॉस के लिए आना है। इस बार फिर से गैप में गेंद, फील्डर कहाँ लगाया है वो जानते हैं प्रसाद पाटिल, लगातार की दूसरी गेंद 4 रन। करसुंडे और बेंसेवाड़ी आपको टॉस के लिए आना है, 4 रन और 4 के साथ स्कोर 8 पर। शॉर्ट पिच गेंदों को पुल हुक कर रहे हैं, ओवर पिच गेंदों को ऑफ साइड पर ड्राइव कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर लगाए हैं और गेंदे आउट साइड डी ऑफ स्टंप कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चकाने वाली बात है कि अगर आप फील्डिंग पोजीशन के हिसाब से गेंदे नहीं करेंगे तो फील्डर क्या कहेगा। विशाल यहाँ पर फील्डिंग करते हुए, पाली का चीता विनायक घोड़ीगांवकर सीधे वी में हमें नजर आते हुए और उनके साथ वी में नजर आते हुए सचिन पवार।
तैयार गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन क्या यह तीसरा लगातार का चौका आएगा? स्वीप और ये भी चौका, गैप ढूंढ लिया है, सुई में से धागा पिरोया प्रसाद पाटिल। अनुभव का ये खिलाड़ी अपने अनुभव को झोंकते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर एक चौका, लॉन्ग ऑफ पर एक चौका और उसके बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शानदार स्लॉग स्वीप और चार रन, तीन लगातार के ये चौके कंसेक्यूटिव बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद पाटिल। अब एंड चेंज कर दिया है। पहले ओवर का अगर खेल देखे तो ज्यादातर गेंदे ओवर पिच आई है उमेश जी, और उनकी गेंदबाजी अगर देखे तो उन्होंने तेज आउटसाइड डी ऑफ टर्म शॉर्ट पिच गेंदे की थी। प्रसाद पाटिल क्या लगातार का चौथा चौका जड़ पाएंगे? हाँ, व्हाट अ स्ट्रोक, ओवर पिच गेंदे कर रहे हैं, बार बार वही गलती कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतते हुए लगातार का ये चौथा कंसेक्यूटिव चौका। संदीप पाटिल जिस तरह से बल्लेबाजी की थी भारत के लिए और उन्होंने लगातार छह गेंदों पर छह लगातार के चौके दागे थे, अब ये चौकों की झड़ी लगाते हुए प्रसाद पाटिल चार गेंदे 16 रन। फिर से स्विचिट का प्रयास, रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, 16 रन आए हैं पांच गेंदों पर, ये वापसी की है। पहली गेंद बिंदी आती हुई इस ओवर की, प्रसाद पाटिल और पिंटिया पाटिल ये दो अनुभवी ऐसे बल्लेबाज हैं। ऐसा नहीं है कि पाली की टीम अगर हम देखें तो 25 प्लस कोई भी खिलाड़ी हमें नजर नहीं आता, सभी खिलाड़ी नवयुवक है। उनको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अनुभव के लिए ये सोनार सिद्ध ट्रॉफी देखने को मिल सकती है। इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर से निकाला शानदार स्ट्रोक और ये पांचवा कंसेक्यूटिव चौका आता हुआ इस ओवर का, और इसी के साथ 20 रन पहले ओवर में आ चुके। प्रसाद पाटिल ऑन फायर, बना दी रेल, निकाल दिया तेल और ये हवा हवाई खेल प्रसाद पाटिल के बल्ले से। डीजे क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, ऐसा कहा जाता है। अब भी 25 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों पर मैच बन सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 25 प्लस का कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है छोड़ के अमोल गुप्ता को। सभी जो कि यंग ब्रिगेड के साथ एसडी 11 पाली उतरी हैं और यह अनुभव उनको बहुत कुछ लाभदायक रहेगा आने वाले समय में। हालांकि रोहा में पहली बार उनकी टीम खेल रही है, नीलेश मस्कर और सिद्धांत मोरे इनके आग्रह खातर वे यहाँ पर आए हैं और उनको भी पता है बाहर जाकर अनुभव आपको मिल सकता है। पहली मैच में आपको जीत मिले ना मिले, लेकिन जो मिलता है अनुभव मिलता है और आपको अनुभव सर्वोत्तम गुरु है। अनुभव आप किसी दुकान से खरीद नहीं सकते या पेटीएम से खरीद नहीं सकते, वो आपको ग्राउंड पर एक एक दिन बिताकर ही मिल सकता है। अमोल गुप्ता गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक रेन पर पिंटिया पाटिल, शॉर्ट पिच गेंद बैकवर्ड पर जाकर कलाएं के सारे स्क्वायर कट किया था डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, फील्डर तैनात है सूरज हुले, लेकिन ये आता हुआ ये इस मैच का छठा चौका और चार रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर बोर्ड पर 24 रन लगे हैं बगैर किसी विकेट के। हर बल्लेबाज चौकों की बोली बोल रहा है। धन्यवाद, चौका लगाया है जैसे रूम मिला और बैकवर्ड पे जाकर स्क्वायर कट किया था, फिर से बैकवर्ड पे जाकर स्क्वायर कट किया है, पीछे फील्डर लगाया है एक रन। पिंटिया पाटिल को भी पता है कि प्रसाद पाटिल एक जेन्युइन प्लेयर हैं, अनुभवी प्लेयर हैं, कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलने का अनुभव उनके साथ है और उनके विपक्ष खेलने वाली टीम थोड़ी सी अनुभव से कम है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आराम के साथ उनको ही मौका दिया जा रहा है। स्कोर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ 25 रन बगैर किसी विकेट के।
ड्रीम्स क्रिकेट द्वारा सभी दर्शक जो कि पाली से बैठकर इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और इसी के साथ रिवर्स का प्रयास किया, एक प्रेडिक्शन था कि रिवर्स ही खेलेंगे और रिवर्स ही खेले, और इसी के साथ प्रसाद पाटिल का पहला विकेट मिलता हुआ अमोल गुप्ता को। डीजे डीजे एक मिनट थांबा, डीजे डीजे टॉस करून घेतोय आपण। या पहिल्या फेरीतील चौथा सामना कॅप्टन ऑफ करसोंडे जगदीश साळके अँड विथ जय हनुमान बेनसेवाडी अमित पांढरे कॅप्टन ऑफ दिस टीम। तर रुपेश रटाटे आपल्या सोबत आहेत, कॉल कोणाचा करसोंडेचा कॉल असणार आहे, हेड इज द कॉल अँड इट्स हेड। तर करसोंडे या नक्कीच करसुंडी आहे तिचा, आमच्या विभागात एक करसुंडे गाव आहे त्यामुळे थोडीशी चुकी झाली आहे। तर करसुंडी असणार आहे, गावदेवी करसुंडीने नाणेफेकीचा गोल जिंकलाय। तर नाणेफेकीचा गोल जिंकल्यानंतर आपला निर्णय काय असणार आहे जगदीश? प्रथम क्षेत्ररक्षण करू, आणि तुम्ही प्रथमच या रोहा विभागात आपला संघ घेऊन आला, तर तुमच्यामध्ये म्हणजे मनामध्ये काय आहे या स्पर्धेचा तुम्ही चषक पाहताय आणि या आयोजनाबद्दल तुमच्या मनामध्ये काय आहे, कसं वाटतंय? आयोजन अगदी मस्त केलंय सोनार सिद्ध क्रीडा मंडळ धाटाऊ, सोनार सिद्ध करंडक 2022 हे पर्व आणि अगदी सुंदर पर्व आहे। आयोजन सुंदर केलं आणि ट्रॉफी अगदी चमचमती, आणि त्या ट्रॉफीसाठी इथे आम्हाला चांगला खेळ करावा लागेल। आणि तुम्ही खोपोली विभागातली टीम आहे बरोबर आहे, तर तुमच्या टीम मध्ये असे कोणते सलामीचे फलंदाज असतील किंवा गोलंदाज असतील? मनीष पारसकर आहे, 4 षटकापर्यंत त्यांनी खेळावा अशी अपेक्षा आहे माझी कर्णधार म्हणून, आणि गोलंदाज आयुष सालवी आहे आणि ऋषिकेश पारसकर यांच्यावर जास्त मदार असेल। क्रिकेटचा खेळ शेष, धन्यवाद जगदीश। मी बोलतोय अमित मांढरे कॅप्टन ऑफ जय हनुमान बेनसेवाडी। तर दादा तुमच्या बाजूने तर नाणेफेकीचा गोल नाही गेलाय, तर तुम्ही प्रथम आता फलंदाजी करणार कारण करसुंडे संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, तर तुमच्याकडे फलंदाजांमध्ये कोणते असे नाव आहेत आणि आयोजनाबद्दल काय म्हणाल आपण? मी गेल्या वर्षी ते खेळून गेलोय, मला आयोजन खूप सुंदर वाटलं, आणि जो सोनार सिद्ध धाटाव हा पर्व हे आम्हाला खूप आयोजन तुमचा भरपूर चांगला वाटतो। प्रथमतः आता ही नवीन टीम आहे आमच्या समोर, आम्ही प्रयत्न करू जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा। फलंदाज आमच्याकडे आहेत मानदार पांढरे, उत्तम आगरी, सुशांत गोरे वगैरे चांगले सुद्धा नवीन सर्व उदयास आलेले सर्व प्लेयर आहेत, प्रयत्न करू आम्ही। नक्कीच अमित दादा तुला सुद्धा या सामन्यासाठी शुभेच्छा असतील आणि आपली प्लेइंग 11 द्यायची आहे, लवकरात लवकर द्या। 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है यहाँ पर। अब गेंदबाजी मार्ग पर सूरज होले को शुभकामनाएं आती हुई मोंटी और उमेश पाटिल इनकी ओर से तैयार। अब आए हैं बॉन्ड स्ट्राइकर, इन पर निकनेम बॉन्ड है उनका, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉन्ड। पहली गेंद अपर कट, खराब है फील्डिंग, कैच हो सकता था लेकिन ये अच्छी बात है कि चौका नहीं आया, अच्छा थ्रो और एक ही रन। 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत और अब गेंदें बची है 11 और 14 रनों की जरूरत। रन और बल्ले के बीच अगर हम देखें, गेंद और बल्ले के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक एक रन के लिए संघर्ष करना होगा। चाहे कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलना चाहिए और यही अपेक्षा ड्रीम्स क्रिकेट पर सभी दर्शक कर रहे हैं। इस बार बाहरी किनारा, अंदरूनी किनारा, अच्छी फील्ड फर्स्ट स्लिप पर और कोई रन नहीं। एक एक गेंद आत्मविश्वास देगी एसडी 11 पाली टीम को, क्योंकि उनको पता है बड़े मंच पर हम खेल रहे हैं, यहाँ से कुछ लेकर जाए ना जाए अनुभव लेकर हम जरूर जाएंगे, लेकिन अच्छी कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्ड करनी होगी। इस बार घूमकर खेल दिया है और वाटर फील्डिंग, अनेश कांबळे वहां पर थे, रुपेश काटकर वहां पर थे, अपने टीम के लिए 5 रन बना उन्होंने बचाए। और आपको चाहे जीते चाहे हारे दर्शकों का दिल जीतना चाहिए, अगर ये फील्डिंग आपको पसंद है तो कॉम बॉक्स से भी तालियां आनी चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने 5 रन जरूर बचाए हैं।
आपको लड़ना होगा, झगड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। 9 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत, एक दो बिंदी गेंदे मैच में वापसी कर सकती है। और ये विकेट, शानदार गेंदबाजी चिंटिया हुले द्वारा, बॉन्ड को आउट किया, बाहरी किनारा और विकेट को पीछे, शानदार कैच, सिद्धेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ ये, और इसके साथ विकेट गिरता हुआ फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरे टीम का। सूरज पाटिल अब आए हैं, सूरज पाटिल और पिंटिया पाटिल। सूरज पाटिल, प्रसाद पाटिल आउट होते हुए 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर, पिंटिया अपने निजी 5 गेंदों पर 10 रनों पर खेल रहे हैं और कुल मिलाकर अब स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 32 और 8 गेंदों पर अब 13 रनों की जरूरत। एक दो बिंदी गेंदे एसडी 11 आगे जा सकती है, लेकिन एक आध बड़ा शॉट हसीवरे टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकता है। मैंने कहा कि ये एलिवेशन मिलेगा। और शानदार कैच यहां पर प्रथमेश पतु दंत थे वहां पर, प्रथमेश ने इस बार क ड क अच्छे जजमेंट के साथ कैच पकड़ा डीप बैकवर्ड मिड विकेट पर, और इसी के साथ एक और विकेट डीजे। शानदार वापसी करती हुई टीम, हैट्रिक बॉल है ये, 7 गेंदों पर अभी 13 रनों की जरूरत। जो सभी दर्शक पाली विभाग से ये मुकाबला देख रहे हैं, उन सभी पाली के दर्शकों का मैं नीलेश नाइक बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ ड्रीम्स क्रिकेट पर। और जो सभी दर्शक वेलशेत विभाग से देख रहे हैं, रोहा विभाग से देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 7 गेंदे आखिरी गेंद इस ओवर की, ये बढ़िया स्ट्रोक, हैट्रिक पूरी, हैट्रिक पूरी, क्लास बॉलिंग चिंटिया हुले को जिस तरह से मॉन्टी ने शुभकामनाएं दी, कमाल वापसी की है चिंटिया हुले की गेंदबाजी ने, क्या कमाल किया है। लगातार आक्रमण कर रहे थे प्रसाद पाटिल, लेकिन प्रसाद पाटिल के आउट होने के बाद देखिए रंग में रंग चुकी है एसडी 11 पाली, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन प्रसाद इन गेंदबाजों ने तो दिल जीत लिया है, क्योंकि ये गेंदबाज सभी 25 अंडर है। जिस तरह से सिद्धार्थ मोरे हैं, मंदार बामगुड़े, रुपेश हैं, नीलेश मस्कर हैं, वैसे ही अंडर 25 की ये टीम है, और लगातार की ये तीसरी, और ये हैट्रिक पहली है, ये दूसरी इस पूरे टूर्नामेंट की हैट्रिक पूरी की है सूरज हुले, मैन फ्रॉम पाली उर्फ चिंटिया हुले। अब समीकरण 6 गेंदे कंपलसरी 13 रनों की जरूरत। अब बजाओ डीजे। धन्यवाद। 6 गेंदों पर कंपलसरी 13 रनों की जरूरत है, 7 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता, 13 धावा 6 चेंडू, 6 चेंडू 13 धावा, पाली की हसीवरे, हसीवरे की पाली। एक तरफ है श्री बल्लाल ईश्वरा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ है हसीवरे के ग्राम देवतों का आशीर्वाद। 6 गेंदे कंपलसरी 13 रनों की जरूरत, गेंदबाजी मार्ग पर रुपेश काटकर, स्ट्राइकर एंड पर मनीष मोकल, जो कि गेंदबाजी बढ़िया की थी, गेंदबाज है वे मनीष मोकल स्ट्राइक रेन पर। जड़ दिया है, खराब फील्डिंग विनायक घाड़ीकाव द्वारा, 6 रन, जजमेंट अच्छा होता थे 6 रन नहीं जाते, पाली के इस खिलाड़ी द्वारा गलती गई कि कैच थी और ये 6 रन आए, और इसके साथ साथ मैच अपने पक्ष में करती हुई टीम फ्रेंड्स ग्रुप पाली, फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरे डीजे। शानदार वापसी करते हुए मनीष मोकल,
अब पांच गेंदों पर कंपलसरी छह रनों की सात रनों की जरूरत, सॉरी ये कैच नहीं होगी, एक तो जरूर पूरा किया है तेज कदमों के साथ, लेकिन ये दो रन पूरे कहां पर थ्रो करे, यही दुविधा में थे अनंता झोलगे, इसलिए उन्होंने बैटर एड की तरफ से थ्रो डाला था। ये सिक्सर बहुत ही महंगा पड़ेगा भाई, ये तो यूक्रेन को रशिया के अनुबॉम की तरह महंगा पड़ता हुआ, इससे विध्वंस में आती हुई टीम एसडी 11 पाली। चार गेंदों पर पांच रनों की जरूरत, जहां पर मैच था छह गेंदों पर तेरह, अब चार गेंदों पर कंपलसरी चेसिंग, पांच रनों की जरूरत। एक हाथ बिंदी गेंद, पाली आगे, एक हाथ बड़ा शॉट, हाशिवरे आगे, एक टप्पा ही गेंद हाथ में आएगी। अब यहां से फिर से जजमेंट गलती और उसी के साथ दूसरा रन पूरा, कैच नहीं था, कैच का ही कॉल था, लेकिन अब यहां से रुपेश काटकर की बढ़िया गेंदबाजी के बावजूद भी कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट में तारीफ करना चाहूंगा हाशिवरे टीम के मनीष की। मनीष को पता है कि मैच को कहां तक खींचना है, बड़े स्ट्रोक के अलावा वो ज्यादा से ज्यादा सिंगल डबल कर बता रहे हैं, और अब तीन और तीन की जरूरत, अब क्या होगा, क्या ये बिंदी गेंद आएगी, क्या ये बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्या पाली के ये धुरंधर आगे जाएंगे या हाशिवरे के अनुभवी खिलाड़ी आगे जाएंगे। ये मजा है सोनार सिद्ध करंडक 2022 के दूसरे सीजन में। वापसी की है रुपेश काटकर ने, कंपलसरी अब दो गेंदों पर तीन रनों की जरूरत, अगर वो छक्का नहीं जाता तो क्या होता, लेकिन क्रिकेट में किंतु परंतु का कोई महत्व नहीं है, ज़रतर क्रिकेट में नहीं होता। दो गेंदों पर कंपलसरी तीन रनों की जरूरत, मनीष दस रनों पर खेलते हुए और उनका साथ देते हुए मोहित डाके, मोहित हाँ वो है मोहित कंपोज, बिल्कुल रुपेश भी हमसे कहते हुए, रुपेश भी है, प्रशांत भाई भी है हमारे साथ। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, तालियां तालियां बजनी चाहिए, नया है ये 18 साल का ये खिलाड़ी है, मैंने भी मेरे जीवन काल में पहली बार इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा है। एक गेंद कंपलसरी तीन रनों की जरूरत, dreamscricket.in पर जो दर्शक मैच देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो लाइव मुकाबला देख रहे हैं पूरे रायगढ़ से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, संकेत शेठ देशमुख इनका भी स्वागत है, बार शेठ महाबले इनका भी स्वागत है यहां से dreamscricket.in पर। एक गेंद तीन रन कंपलसरी, हाँ एक गेंद तीन रन कंपलसरी, पाली की हाशिवरे, हाशिवरे की पाली, दो रन होंगे ही जरूर। ओहो हो, व्हाट अ मैच, एसडी 11 पा